सो गाइस आज हम हाफ किलो में बहुत ही छोटू सा एक केक बनाएंगे। जैसे गाइस ये हाफ किलो का केक है एंड गाइस इस केक को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आज डिज़ाइन करने वाला हूँ। जैसे गाइस इस केक को डिज़ाइन करने के लिए मैं गाइस दो ही नोजल का यूज़ करूँगा एंड इसको आइसिंग करने के लिए मैं कोई भी स्टैंड वगैरह की यूज़ नहीं करूँगा। मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको इस केक को बना के दिखाऊँगा ताकि गाइस आप लोग भी घर पर बना सको। तो गाइस मैं इस केक को अंदर वेनिला ही लेयर लगाऊंगा, इसमें कोई भी क्रश एसेंस का मैं यूज़ नहीं करूंगा। अंदर बस चॉको चिप्स व्हाइट वाला यूज़ कर दूंगा कुछ इस तरीके से एंड इसको लेयर लगा लूंगा। एंड गाइस मैं आपको बता दूं स्पॉन्ज बनाने का जो रेसिपी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड गाइस यहाँ पर मैंने हाफ किलो का स्पॉन्ज बनाया है, 6 इंच की मोल्ड पे 300 ग्राम प्रीमिक्स पाउडर के साथ मैंने मिक्स कर लिया। रेसिपी के हिसाब से 150 ग्राम पानी को पाउडर के साथ मिक्स करके मैंने 6 इंच के मोल्ड पे इसको बना लिया सिंपल तरीके से। एंड गाइस आपको और भी डिटेल्स चाहिए एक वाला स्पॉन्ज तो गाइस वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको दिखने को मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस ये हाफ किलो का केक है, इसको गाइस आइसिंग करने के लिए मैं कोई भी स्टैंड वगैरह की यूज़ नहीं करूँगा, इसलिए गाइस ज़रूरी है क्रीम जो है वो अच्छे से बनाना। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा क्रीम है इतना हार्ड भी नहीं है, इतना मेल्ट भी नहीं है, बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही अच्छा फिनिशिंग सा क्रीम मेरे पास है जो मैंने बनाया है। अभी गाइस इसको पाइपिंग में पैक कर लेंगे एंड पैक करने के बाद इसी पाइपिंग से हम केक को आइसिंग करेंगे। सो गाइस मैं स्टैंड यूज़ नहीं करूँगा, इसका मतलब ये नहीं केक का जो आइसिंग है वो मतलब उतना अच्छा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केक बहुत ही अच्छे तरीके से आइसिंग हो सकता है विदाउट स्टैंड भी। तो गाइस आपके पास अगर स्टैंड नहीं है या गाइस आप स्टैंड में केक को अच्छे से आइसिंग नहीं कर पाते तो गाइस विदाउट स्टैंड भी आप केक को आइसिंग कर सकते हो। पहले ऊपर मैंने कुछ इस तरीके से क्रीम लगा दिया, अभी गाइस मैं जो नाइफ़ है इसी नाइफ से मैं ऊपर बस इस तरीके से प्लेन कर लूँगा। जैसे गाइस आप देख सकते हो मैं कैसे डब्बे को घुमा रहा हूँ एंड ऊपर प्लेन कर रहा हूँ। सो गाइस प्लेन बस इतना ही चलेगा एंड इसी पाइपिंग से मैं क्या करूँगा साइड के ओर भी मैं कुछ इस तरीके से पाइपिंग कर लूँगा ताकि गाइस साइड की ओर भी क्रीम लग जाए, क्योंकि गाइस बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है नाइफ से वो लोग क्रीम अच्छे से लगा नहीं पाते एंड साइड के और जो स्पॉन्ज का दाना है वो केक के ऊपर उड़ जाता है एंड केक का जो फिनिशिंग है वो बिगड़ जाता है, दिखने में अच्छा नहीं लगता। तो गाइस आप अगर बिगिनर्स हैं तो गाइस इस तरीके से केक को आइसिंग करें, बहुत ही सिंपल तरीके से ये आइसिंग होता है एंड क्रीम का जो क्वान्टिटी है वो भी बहुत कम लगता है इस तरीके की आइसिंग पर। तो गाइस मैं इस तरीके से सिंपल तरीके से केक को आइसिंग कर लूँगा एंड गाइस आप अगर मेरे पास पहले बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि एक वाला स्पॉन्ज मैं कैसे बनाता हूँ वो रेसिपी शेयर करने के लिए, तो गाइस मैं वो एक वीडियो बनाया था कि मैं एक स्पॉन्ज कैसे बनाता हूँ एंड आप कैसे बना सकते हैं, फुल रेसिपी एंड डिटेल्स मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाल रखा है, आप जाके ज़रूर चेक कर लेना आप अगर घर पर एक वाला स्पॉन्ज बनाना चाहते हो तो। अदरवाइज गाइस आप प्रीमिक्स पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो, वो बहुत ही सिंपल है एंड बहुत ही आसान तरीका है घर पे केक बनाने की। तो गाइस यहाँ पे मैं देख सकते हो हाफ किलो केक को मैं कैसे आइसिंग कर रहा हूँ, बस मतलब उतना परफेक्टली मतलब ज़रूरी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि परफेक्टली ही केक को अक्सर आइसिंग करना होता है, आप अगर डिज़ाइन अच्छे से करो तो गाइस वो कहीं ना कहीं कवर हो जाता है। तो गाइस इस केक पे हम बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन करेंगे, ये गाइस बहुत ही स्पेशल ऑर्डर है एंड मतलब ये कैसा तो मेरे दोस्त ने केक ऑर्डर किया है कि भाई तू इस केक को अच्छे से बना के देना, मतलब डिज़ाइन कुछ यूनिक होना चाहिए दिखने में भी अच्छा लगे। तो गाइस मेरे पास बहुत सारा नोजल है, मैं दो नोजल का मैं यूज़ करूँगा, एक होगा मतलब ग्रस नोजल एंड दूसरा जो नोजल होगा वो गाइस ऊपर आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे फोटो शेयर कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाऊंगा, अभी मेरे पास बहुत सारा नोजल है तो गाइस मैं दो ही नोजल का यूज़ करूँगा इस केक में। पहले गाइस ग्रस नोजल को मैं पाइपिंग में पैक कर लूँगा वाइट क्रीम के साथ एंड आप चाहो तो अपने हिसाब से कोई भी कलर करके भी यहाँ पर डाल सकते हो। तो गाइस वाइट क्रीम भी इस तरीके की डिज़ाइन वाइट क्रीम से अच्छा लगता है एंड गाइस लाइट येलो कलर अगर मिक्स कर दोगे तो गाइस वो भी अच्छा ही लगेगा। तो गाइस पाइपिंग में पैक करके जैसे कि गाइस आप देख सकते हो मैं केक की साइड की ओर कैसे डिज़ाइन कर रहा हूँ। सो गाइस ये बहुत ही सिंपल तरीका है डिज़ाइन करने की एंड गाइस ये जो केक है दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है एंड दिखने में काफ़ी बड़ा भी लगता है। सो गाइस आप एक बार ज़रूर ट्राई करना इस तरीके के डिज़ाइन।
सो गाइस मैं इसी तरीके से क्या करूँगा, पूरे साइड में इस तरीके से डिज़ाइन करके कवर कर लूँगा। एंड गाइस मैं आपको बता दूँ इस तरीके के डिज़ाइन करते वक्त कौन सी फ़ायदा है। जैसे गाइस आप अगर केक को अच्छे से आइसिंग ना करो तो गाइस इस तरीके से अगर डिज़ाइन करते हो तो गाइस वो जो अनफिनिशिंग सा रहता है वो गाइस कवर हो जाता है एंड कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता आप केक का जो आइसिंग है वो फिनिशिंगली किए हैं या नहीं। तो गाइस उसके बाद ये जो नोजल है इस नोजल को हम यूज़ करेंगे। सो गाइस ये एक्चुअली बहुत बड़ा नोजल है, तो नॉर्मल जो नोजल होता है उससे काफ़ी बड़ा नोजल इस तरीके का जो नोजल है वो सब है। तो गाइस कोई बात नहीं, इसको मैं बटर पेपर में पैक कर लिया। अभी गाइस यहाँ पे दो कलर लिक्विड में इस तरीके से यूज़ कर लूँगा, उसके बाद पाइपिंग में पैक करके एंड मैं अभी क्या करूँगा, मैं सिंपल आपको दिखाऊँगा इस बेस के ऊपर कि मैं कैसे डिज़ाइन करता हूँ। सो गाइस इस तरीके से इस तरीके की डिज़ाइन के टाइम जो नोजल है वो गाइस डायरेक्टली प्रेशर नहीं करना जहाँ पर आपको डिज़ाइन करना है, थोड़ा सा गैप रखो वहाँ पर गाइस, थोड़ा सा गैप रख के ज़ोर से प्रेशर करो एंड ऊपर की ओर पुश करना होता है, तो ही गाइस इस तरीके की डिज़ाइन बनता है। एंड गाइस मैंने यूट्यूब पे भी एक वीडियो देखा था जहाँ पे वो ट्राई किए थे इस तरीके की डिज़ाइन की, लेकिन गाइस उनको इस तरीके की डिज़ाइन हुआ नहीं। तो गाइस तभी मैंने सोचा मैं क्यों ना इस केक तरीके का केक डिज़ाइन के ऊपर मैं एक वीडियो बना लूँ। तो गाइस वहाँ से मेरा एक आइडिया आया है एंड ये मैं ये जो डिज़ाइन है ये मैं बना रहा हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो अंदर जो गोल सा एक स्पेज बचा है पूरे स्पेज में मैं इस तरीके से डिज़ाइन करूँगा। एंड गाइस इस तरीके के डिज़ाइन के टाइम बार बार क्या होता है, जो नोजल है वो गाइस क्रीम से मतलब ढक जाता है, तो गाइस उसको क्लीन करना होता है बार बार हाथों से। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो दो तीन डिज़ाइन करने के बाद ये जो नोजल है ये इस तरीके से मतलब क्रीम लग जाता है चारों ओर, तो गाइस इसको क्लीन करना होता है फिंगर से, नहीं तो गाइस ये जो डिज़ाइन है दो तीन फ्लावर तो बन जाएगा बाद में फिर दिक्कत आएगा। तो गाइस क्या करना, दो तीन फ्लावर बनाने के बाद ये जो नोजल है इसको साफ़ कर लेना एंड साफ़ करने के बाद अगेन ये जो फ्लावर है ये बनाना। तो गाइस इसको बनाने का तरीका यही है। एंड गाइस मैं आपको अगेन बता दूँ जहाँ पर भी आप ये फ्लावर बना रहे हो वहाँ से नोजल के बीच में थोड़ा सा गैप रखना एंड प्रेशर करना एंड ऊपर की ओर पुश कर देना, तो ही गाइस ये जो डिज़ाइन है ये बन जाएगा। उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास वो जो क्रीम था वो मैंने ले लिया है एंड ये जो डिज़ाइन है गाइस ये दिखने में थोड़ा मतलब आसान भी लग रहा होगा एंड बहुत सारे लोगों को मुश्किल भी लग रहा होगा। तो गाइस मैं ये जो बनाने का टेक्निक है साइड की ओर जो मैं बॉर्डर कर रहा हूँ गोल गोल करके, इसको बनाने का जो प्रोसेस है वो भी गाइस मैं इस वीडियो पे शेयर करूँगा, क्योंकि गाइस दिखने में ये बहुत ही आसान लग रहा है लेकिन गाइस इसके पीछे एक टेक्निक है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो गाइस मैं इसी तरीके से केक का बॉर्डर दे दिया हूँ। अभी गाइस मैं आपको नाइफ़ के ऊपर दिखाता हूँ इस डिज़ाइन को बनाने का प्रोसेस क्या है। तो गाइस केक में कोई भी डिज़ाइन करने से पहले जहाँ पे भी आप डिज़ाइन करो वहाँ पे गाइस डायरेक्टली पाइपिंग को रख के प्रेशर नहीं करना होता है, थोड़ा सा स्पेज बनाना होता है एंड स्पेज बनाने के बाद वहाँ पर प्रेशर करोगे तो ही गाइस केक का कोई भी डिज़ाइन बन जाता है, इवन ये जो डिज़ाइन है ये भी। तो गाइस इस तरीके से मैंने गोल गोल किया है। अभी गाइस ग्रीन कलर में मैंने पाइपिंग को पैक करके यहाँ पे छोटा सा वी शेप में कट कर लूँगा। कट करने के बाद यहाँ पे जो मैं छोटा छोटा फ्लावर बनाया हूँ उसके बीच बीच में मैं इस तरीके से पत्ता बना लूँगा। सो गाइस ये एक सिंपल तरीके का डिज़ाइन है, आप चाहो तो मतलब ये जो फ्लावर है इसको गाइस क्रीम कलर करके भी बना सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से। तो गाइस यहाँ पे मैंने इस तरीके से फ्लावर बनाया है एंड बीच बीच में मैं इसी तरीके का जो पत्ता है वो भी डिज़ाइन कर लूँगा। सो गाइस ये जो केक डिज़ाइन है सो गाइस बस यहाँ तक ही था। अभी गाइस आप चाहो तो इसके ऊपर सिल्वर बॉल भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी कलरिंग जो स्प्रिंकल होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो गाइस नॉर्मली हम इस केक के ऊपर सिल्वर बॉल यूज़ करेंगे एंड आप चाहो तो अपने हिसाब से जो फ्लावर का जहाँ पे मैंने ड्यूअल कलर फ्लावर बनाया है वहाँ पे आप चाहो तो अपने हिसाब से कोई भी कलर का फ्लावर बना सकते हो, लेकिन गाइस ये सिंपल केक है इसलिए गाइस मैंने यहाँ तक ही इसका डिज़ाइन रखा है। सो गाइस वीडियो कैसा लगा एंड केक डिज़ाइन कैसा हुआ कमेंट में ज़रूर बोलना। एंड गाइस वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार हो तो, क्योंकि गाइस बर्थडे केक से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। थैंक यू सो मच, बाय।